हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे संडे अपडेट्स दूंगी, संडे गार्डन ओवरव्यू शेयर करूंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए फ्रेंड्स, ये सभी मेरे इंडोर प्लांट्स, एलिफेंट ईयर जो कि काफ़ी अच्छे से चल रहा है, डिफन बेकिया। इसमें ये देखिए दो पप्स और निकले हैं, इसके दो बेबी प्लांट, और ये मेरा जेड प्लांट, और ये अजवाइन, और ये तुलसा जी, ये देखिए सिंगोनियम, एक और क्रोटोन, और ये ड्रेसीना, सफलेरा। सफलेरा में ये देखिए न्यू दो लीप्स आई हैं ये तो, और इधर ये ग्रीन कलर का सफलेरा, और ये सभी मेरा बोटल गार्डन जो कि बिल्कुल वेस्ट होती हैं। और देखिए किस तरह से मैंने इनमें ये सब टर्टल वाइन और पर्पल हार्ट, वॉन्डरिंग जियो, ओथोज, सभी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ये देखिए, ये मेरे सीमेंट से DIY बटरफ्लाई, ये देखिए ये स्नेक प्लांट। तो ये सभी मेरे इंडोर प्लांट हैं, तो वो भी मैं आपको आज दिखा रही हूँ। ज़्यादातर तो मैं अपना टेरेस गार्डन का व्यू देती हूँ। ये देखिए सॉन्ग ऑफ इंडिया, बहुत ही सुंदर इसकी लीव्स हैं, ये अलग वैरायटी है। और ये टर्टल वाइन देखिए, और ये सभी मेरे क्रिसेंथेमम। इधर मेरे दो तीन घंटे की धूप आती है, एक कोचिया भी है ये देखिए, और मॉर्निंग ग्लोरी। तो इस समय 10 o'clock हो रहे हैं, तो मॉर्निंग ग्लोरी की फ्लावर अभी बंद है। और ये पर्सलेन जो कि जाने वाले हैं, इनका सीजन भी अब। और इधर मेरा ये फाइकस, तो इधर की साइड मेरे तीन घंटे की सी धूप रहती है, ये देखिए थूजा। तो इतनी धूप इनके लिए काफ़ी है। ये पर्पल हार्ट, ये फाइकस के नीचे ही मैंने छोटे से पॉट में रख दिया है, ये देखिए छोटे से पॉट में ये। और ये लेडी पाम, और ये एक और ड्रेसीना। इधर धूप की वजह से, ये तेज़ धूप की वजह से इसकी पत्तियां ख़राब हो रही हैं, ये देखिए इधर की साइड। और ये ग्रीन कलर का मेरा कोलियस, और एक और जेड प्लांट, और ये भी मेरा DIY है। और ये मैंने सीड डाले थे और ये अब ग्रो हुए हैं, ये देखिए। तो ड्रेसीना, और ये देखिए लकी बैम्बू, और ये रबर ट्री, ये देखिए। और एक और स्नेक प्लांट, ये क्रिसमस ट्री है, ये देखिए जीजी प्लांट, और ये मेरे स्नेक प्लांट में, ये देखिए इसमें फ्लावर स्टिक भी निकली है, ये देखिए सिंगोनियम। और इसमें एक और ये दो पैराटिंग हैं इसमें, एक तो ये वाली है, और एक इसकी लीप्स अलग है, ये देखिए। और डिबल्स बैकबोन, वाइट और ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं इसकी, बहुत सुंदर लगता है देखने में। और ये सभी जेड प्लांट मेरे बोटल में जो कि मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं, ये देखिए। और ये हैंगिंग बास्केट में पोट ले लूँ, तो ये देखिए एक और सॉन्ग ऑफ इंडिया है। इसमें भी नीचे से दो ये बेबी प्लांट निकले हैं, ये देखिए। इसमें ये टर्टल वाइन काफ़ी नीचे तक हो गई थी, मैंने इसको कट कर दिया है। और ये पर्पल हार्ट और स्नेक प्लांट, इसी से लेके मैंने बोटल्स में लगाए हैं निकाल निकाल के, ये देखिए मेरे DIY बोटल्स, काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं ये सभी प्लांट। और इधर की साइड एक और थूजा मोरपंख ही, और ये एस्पेरिगस वाइन, इधर ये जेड प्लांट, और ये रियो बोटली और मैक्सिकन पिटोनिया, ये सीड से ग्रो हुई है अपराजिता। देखिए मैंने एक अजवाइन प्लांट की कटिंग लगाई थी, वो भी लग गई है। ये टर्टल वाइन देखिए, तो और ये सिंगोनियम यहाँ भी लगाया था मैंने, और जेड प्लांट, और ये लोलीना, और ये डिबल्स बैकबोन ग्रीन कलर। तो ये सभी मेरा इंडोर प्लांट हैं। ये देखिए एक और स्नेक प्लांट में
मेरे स्टिक निकली है फ्लावर स्टिक, इस पर मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगी। और ये देखिए मेरे स्टेयर्स पर लगी हुई वॉन्डरिंग जीव, और इधर ये सभी मनी प्लांट। तो फ्रेंड्स अब आ गई हूँ मैं अपने टेरेस पर, तो टेरेस गार्डन में देखते हैं क्या क्या है। ये देखिए कैलन कोई काफ़ी अच्छे से चल रहा है, और ये मैंने क्रिसेंथेमम की कटिंग लगाई थी, और ये येलो कलर। तो ये देखिए ये भी मैंने पर्पल हार्ट की कटिंग लगाई थी, वीडियो शेयर किया था वो आप देख सकते हैं। और ये कैलन कोई की भी एक कटिंग लगाई थी, उसका भी मैंने वीडियो डाला था। देखिए सभी अच्छे से ये प्लांट चल रहे हैं, इनको मैं रिपोर्ट करूंगी। तो ये देखिए मैक्सिकन पिटोनिया, और इधर देखिए ये रेन लिली, वो सॉरी मैं मॉर्निंग ग्लोरी इस समय खिली हुई है। तो ये सभी मेरे क्रिसेंथेमम और मैरी गोल्ड हैं। इधर देखिए एक और मॉर्निंग ग्लोरी, इसी में इसका सीड डल गया होगा, तो इसी में ये देखिए युग का। और ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ये 9 o'clock ऑफिस टाइम कई नाम है इसके, तो इससे ये मैंने बनाया था, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। अब तो इनका ये सीजन जाने वाला है, तो अब मैं इनको हटाऊंगी भी, अब इनमें फ्लावरिंग भी कम हो गई है। और ये देखिए मेरी गोल्ड की सीडलिंग की थी जो मैंने, और ये कॉस्कॉम तो मेरे हर जगह निकल आए हैं अपने आप ही, एक बार इनको लगा लो तो वो अपने आप इनके सीड इधर उधर गिर जाते हैं और ये फिर निकलते रहते हैं, काफ़ी सुंदर इनके फ्लावर्स लगते हैं। तो ये देखिए अगेव, और ये पर्सलिन साथ में, और ये लेमन। जल्दी जल्दी मैं अपने टेरिस गार्डन का एक व्यू दे देती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होगा फ्रेंड्स। और आज इसके फ्लावर ओपन नहीं हुए चंपा के, और इसी में मेरी मिर्ची, अपराजिता और मधुमालती, कई प्लांट्स हैं। 4 o'clock बड़ा टब है, इसमें 4 या 5 प्लांट हैं, सनफ्लावर, और ये नॉट टच मी नॉट। तो ये मधुमालती को मैं ठीक करूंगी, ये इधर उधर गिरी हुई है। एक और थूजा जो मेरे टेरेस पर रखा हुआ है, ये देखिए इसमें सनफ्लावर, कॉस्कॉम, और ये अपराजिता, और ये सभी मेरे क्रिसेंथेमम, एलोवेरा, और ये देखिए टिकोमा। टिकोमा में काफ़ी फ्लावरिंग होती रहती है, मैं इसको कई बार आपको दिखाती भी हूँ। और ये मेरा अडेनियम में फ्लावरिंग कम हो गई है, काफ़ी फ्लावरिंग इसमें हुई थी। और ये साइकस, और ये जेड प्लांट मेरे टूटे हुए गमले में, ये देखिए कटिंग से काफ़ी लंबी स्टिक इसकी भी निकल चुकी है। और ये ग्लो की मैंने कटिंग लगाई थी इधर, और ये मोंगरा की भी काफ़ी लंबी स्टिक हुई है, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। और मेरा एक दूसरी वैरायटी का गेव है, काफ़ी सुंदर लगता है, इसके नीचे से और भी बेबी प्लांट निकले हुए हैं, 3 बेबी प्लांट हैं इसमें छोटे, देखिए प्लांट भी छोटा और बेबी प्लांट भी निकले हैं इसमें। इधर ये सभी कैना लिली में फ्लावरिंग कम भी हो गई है, ये देखिए कम हो गई है इनमें फ्लावरिंग, ये देखिए एशियाटिक लिली, और ये रेन लिली, और इधर ये कैक्टस, ये देखिए पर्सलिन अपने आप ही ग्रो होते रहते हैं मेरे सीड से। और एक मेरे ये नीचे गार्डन में रखा है, और एक ये ऊपर ड्रेसी ना मैंने यहाँ रख रखा है इसको। इधर ये सभी मेरे सुदर्शन है, वेरिकेटेड वाला और सिंपल वाला, ये देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा ये पर्पल हार्ट प्लांट, तो इसी में इसने ये दिए, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी में अंडे दिए थे। तो चिड़िया तो इस समय नहीं है, छोटे छोटे से बच्चे हैं, ये देखिए। और इधर मैरीगोल्ड, और ये एक और मोंगरा, और ये मेरे रोज, इंग्लिश रोज वाइट कलर, और ये देखिए एक और कॉस्कॉम जो अपने आप ही सीड से ग्रो हुआ है, काफ़ी सुंदर इसका कलर है, ये देखिए।
और ये अलग है ऐसे, इसकी पतली पतली स्टिक है और ये ऐसे अलग है। तो ये मेरा पिंक कलर का रोज है, ये देखिए। और ये भी अपने आप देखिए, बहुत सारे मैंने इनको निकाल के फेंक भी दिया है, क्योंकि मेरे हर पॉट में ये निकल आए थे, चार चार पांच पांच। और ये देखिए इसमें भी, ये मेरी टिकोमा वाइन है, तो इसमें भी काफ़ी फ्लावरिंग हुई है इस बार, मैंने लास्ट ईयर इसको ग्रो किया था, ये देखिए। और एक इसमें ये वाइन मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और कुछ सीड भी डाले थे, तो ये इसके सीड से भी हो गई और ये कटिंग भी हो गई, इसका नाम मुझे नहीं पता। इधर देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो इधर मैरी गोल्ड और एलामंडा। एलामंडा में मेरे कोई फ्लावरिंग नहीं हुई है, रूट बाउंड हो गया था ये प्लांट, मैंने रिपोर्टिंग की है। इधर तुलसाजी और मैरी गोल्ड और ये अपराजिता और ये हिबिस्कस और ये वाइट कलर का हिबिस्कस, इसमें बर्ड बनी है। इधर ये देखिए मॉर्निंग ग्लोरी भी, पिंक कलर और पर्पल कलर दोनों कलर में खिली हुई है, इस समय 10 o'clock हो रहे हैं। और ये रेड कलर पोर्चुला का। इधर कनेर, पता नहीं इसमें कौन सा फ्लावर निकलेगा, मुझे बर्ड बनी है, मुझे रेड कलर का बोल के दिया था उन्होंने, ये देखिए बर्ड बनी है इसमें। और ये कॉस्कॉम, बहुत सुंदर इसमें फ्लावरिंग होती है, ये देखिए बहुत सुंदर फ्लावर लगते हैं इसके देखने में। और यूफोर्बिया मिली, देखिए मैंने काफ़ी प्लांट इसके लगाए हैं, ये देखिए ये अलग, इसके अलग है, ये देखिए इसकी ये अलग है। इधर ये गलाडिया, गलाडिया में काफ़ी सीड मेरे तैयार भी हो गए और काफ़ी मैंने कलेक्ट भी कर लिए हैं, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं। और ये देखिए तुलसाजी, तुलसाजी मेरे हर पॉट में निकल आती हैं, देखिए मैंने कटिंग लगाई थी उसकी, क्रिसेंथेमम की, ये भी क्रिसेंथेमम लास्ट ईयर का। और इधर ही मेरा ये टायर प्लांटर, जिसमें एक गलाडिया और ये पर्सलेन, तो पर्सलेन में फ्लावरिंग अब कम हो गई है क्योंकि अब इनका सीजन जाने वाला है। ये देखिए मैंने इसके सीड डाले थे, ये वाइन है, मैं इसके सीड तोड़ के लाई थी और मुझे नहीं पता कि इसका क्या नाम है। देखने में काफ़ी सुंदर लगती है ज़मीन में लगी हुई, मैं इसमें से निकालूंगी एक आध प्लांट, ज़मीन में लगाऊंगी अपने गेट के बाहर। और ये देखिए एक टिकोमा की भी मैंने कटिंग लगाई थी, वो भी चल गई। ये देखिए कॉस्मोस, कॉस्मोस दिखाती हूँ मैं अभी आपको, मेरे ऑरेंज कलर के कॉस्मोस है, ये पर्सलेन। और इधर गॉम्फेना, गॉम्फेना अब पुराना हो गया है, अब इसके सीड पॉट भी तैयार हो रहे हैं, कुछ मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, कुछ और करूँगी। और ये देखिए रेड कलर का एक जोरा, और इधर ये पर्सलेन और जटरूपा, जटरूपा में लगे हुए पिंक कलर जटरूपा इधर, और ये इधर रेड कलर का जटरूपा है। तो धूप बहुत तेज़ है फ्रेंड्स, कल तो हमारे यहाँ बारिश भी हुई थी। ये कैना लिली, इसमें देखो तुलसाजी कितनी है, बहुत सारी तुलसाजी ये ग्रो होती रहती हैं। और एक और पोर्चुला का, देखिए ये देखिए, तो ये अपराजिता, एक इधर भी एक अपराजिता प्लांट है और एक कॉस्मोस कॉस्कॉम सॉरी ये कॉस्कॉम। और इसमें देखिए वाइट कलर के फ्लावर आते हैं, तो इसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें एक सीड भी बना है, ये देखिए इधर। और ये देखिए ये मेरा वाइट कलर का एक जोड़ा है, और वाइट कलर का ही मैं लेके आई थी, लेकिन इसमें देखिए फ्रेंड्स ये आधा तो वाइट है और आधा पिंक, इसमें आधी तो मतलब, और नीचे से देखने पर ये एक ही है बिल्कुल, ये देखिए नीचे से देखने में एक ही है, तो ऐसे इसमें एक ही में से दो स्टिक निकली हैं, तो एक स्टिक पर तो वाइट फ्लावर हैं और एक स्टिक पर पिंक, देखो इधर भी पिंक बने हैं, ये देखिए इधर भी पिंक बने हैं, तो ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई। ये देखिए तो आधा वाइट है और आधा पिंक, ये देखिए, और वह छोटी सी पॉट में ये लगा हुआ है। इधर हिबिस्कस ये देखिए, और ये पर्सलिन, इनको मैं हटाऊंगी, ये देखिए फ्रेंड्स।
तो मैं जल्दी जल्दी आपको शो करा देती हूँ। और ये सभी रेन लिली, और ये 4 o'clock इस समय मुरझा गया है देखिए। और ये मेरा डबल हिबिस्कस, डबल पेटल में है। और इधर ये सभी कोचिया, और ये टायर प्लांटर में ये देखिए, ये अपने आप ही ग्रो हुए हैं, मैंने इनको नहीं लगाया है। ये देखिए अपने आप ये ग्रो होते रहते हैं। और एक और कनेर है, ये पता नहीं इसमें कौन सा कलर निकलेगा। और ये सभी मेरे क्रिसेंथेमम, और ये लास्ट ईयर का मेरा जटरूपा। ये काफ़ी बड़ा प्लांट है और काफ़ी फ्लावरिंग इसमें हो रही है। और एक और मोंगरा है, ये देखिए इधर ये अगेब, बैरिकेटेड अगेब है। और एक ग्रीन और पेंसिल कैक्टस, और ये ड्रैगन, ये देखिए। और ये देखिए ये भी काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में, ये सिंगल पेटल के हैं और बहुत इसमें सीड पॉट बनते हैं इसके। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, बहुत सीड बनते हैं इसके। ये देखिए अभी कच्ची है ये नीचे से। ये देखिए ये देखिए ये ब्लैक ब्लैक से, ये सभी इसके सीड हैं। और इधर रेन लिली में एक फ्लावर भी निकला है, और इसके काफ़ी सीड मैंने कलेक्ट भी कर लिए हैं। ये देखिए देखिए, और आज एक फ्लावर आया है इसमें, ये देखिए। और उधर मेरे कॉस्मोस, तो कॉस्मोस ये ऑरेंज कलर में है, और एक पिंक कलर का भी मैंने सीड डाले थे लगाया। इधर ये शमी, और ये कनेर, ये देखिए। तो कैसा लगा फ्रेंड्स ओवरव्यू? तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और ये नागचंपा देखिए, नागचंपा में भी फ्लावरिंग मेरे स्टार्ट हुई है, तो इस पर पहली बार फ्लावरिंग हो गई। और इधर इसमें भी फ्लावर बर्ड आई है, ये देखिए। तो ये चंपा, वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।